महाराष्ट्र में पोस्ट राजनीति नवो घटनाक्रम शुरू थयो छे। धारासी में अजित पवार ने भावि मुख्यमंत्री दर्शावता बेनरो छवाया छे। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर राखनाराओ पड़दा पाछळ घणुं बधुं घटित थई रह्या होवानुं मानी रह्या छे। नवा घटनाक्रम में धाराशिव में अजित पवार ने महाराष्ट्र भावी मुख्यमंत्री गणावता पोस्टरो ठेर ठेर लाग्या छे। महत्वपूर्ण है कि अजित पवारे ताजेतर में एक मराठी अखबार ने आपेला इंटरव्यू में मुख्यमंत्री बनवानी 100% इच्छा होवानुं जणाव्युं हतुं। तेमणे कह्युं हतुं के 2024 में केम हमणां पण मुख्यमंत्री पद पर दावो करवा माटे तेओ तैयार छे। ऐसा कि आज ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है, ये महाराष्ट्र को कलंक लगाने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र शौफुले अंबेडकर विचारधारा का रहा है और इस सत्ता के लिए खोखे का वापर, तानाशाह का वापर, गुंडाइज्म महाराष्ट्र में ये जो हम देख रहे हैं, ये हमारे लिए और महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा एक खतरनाक संकेत दे रहा है। और कांग्रेस की भूमिका इसमें स्पष्ट है कि कांग्रेस जनता के इशू को लेकर लड़ रही है। तो महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले देवेंद्र फडणवीस ने राज्य मुख्यमंत्री होवू जोईए तेवुं निवेदन आपीने अजित पवार ने लईने प्रतिक्रिया आपी हती। थोड़ा समय पहला अजित पवार 30 जेटला एनसीपी ना धारासभ्यो साथे भाजपा जोड़ाय तेवी अटकळोए जोड पकड्यु हतुं, परंतु त्यारे अजित पवारे पोतानी आखरी क्षण सुधी एनसीपी साथे रहेवानी वात कहीने अटकळो पर मीडिया ने हवे वधारे चर्चा नहीं करवा माटे पण जणाव्यु हतुं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।